जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में DHS कोविड 19 टीकाकरण तथा आयुष्मान भारत के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि गोरखपुर जनपद में कोविड 19 टीकाकरण प्रथम व द्वितीय डोज 43,52,439 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रथम डोज 26,45,230 व द्वितीय डोज 17,72,009 को टीकाकरण लगाया जा चुका है। 3 जनवरी 2022 से 15 वर्ष से अधिक बच्चों का टीकाकरण तथा 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक लोगों का बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसके लिए पूर्व में लगाए जा रहे टीकाकरण को और गति देने के लिए जिलाधिकारी ने CSC PSC तथा जिला व मंडल चिकित्सालय तथा कोविड 19 वैन द्वारा गाँव में लगाए जा रहे टीकाकरण को और गति देने के लिए रणनीति के तहत 100% लोगों को टीका लगाए जाने का निर्देश दिया, क्योंकि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 100% लोगों का टीकाकरण कराना हमारा दायित्व है, जिसे पूरा करने के लिए CSC PSC और संबंधित डॉक्टरों का सहयोग महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रमुख रूप से CMO आशुतोष कुमार दुबे, ACMO डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल सहित अन्य संबंधित डॉक्टर मौजूद रहे। जी, और उसके लिए जो जैसा कि बेसिक है कि हम इसको कर सकते हैं कि जो नए संक्रमण है उसको समाप्त कैसे करेंगे, एड्स से होने वाली मौतों को हमें कम करना है, और भेदभाव जो डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि अभी HIV प्रिवेंशन एक्ट 2000 पर और जगहों पर, कई जगहों पर पब्लिक प्लेस पर भी जो HIV/AIDS के पेशेंट हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको भी कम करने के लिए हमें मेन स्ट्रीमिंग विभिन्न डिपार्टमेंटों के साथ करना है। उसमें बेसिकली टीचर्स के साथ और आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ और आशा वर्कर के साथ, तो उसके माइक्रो प्लान के लिए आज सर आपकी संस्कृति से होना है, तो मैं करेंगे। और जो हम 7,655 हुए हैं और जो ART तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें उसका जो 7,600 अभी भी बहुत से HIV के जो इन्फेक्शन स्ट्रक्चर है जो हमें पता नहीं है इनरोल करना है, तो उसका 95% हमें 95 स्ट्रेटजी से करना है। दूसरा है कि इन 95 को जब हम इनको इनरोल कर लेते हैं तो इनको 95% को हमें ART से लिंक करना है, डिपार्टमेंट के साथ मेनस्ट्रीमिंग करके कैसे इसको पहुंचाना है। तीसरा यह है कि अगर ART तक पहुंच रहे हैं तो कंप्लीट डोज नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही है, तो हमें कैसे ART से कंप्लीट जो है वायरस लोड को कैसे सप्रेस करना है, उनके 90% को करना है। ये क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, पैंडेमिक के लिए अभी पीछे चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो एड्स है वो ऑलमोस्ट अभी भी फैटल बना हुआ है, ये जानलेवा है, जानलेवा बीमारियां होती है, ये जानलेवा है। दूसरा ये है कि इसका अभी भी प्रिवेंशन ही नहीं है, इसकी इफेक्टिव वैक्सीन केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन है, और इसके अलावा इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए बी अवेयर रहना है, 15 कर पाएंगे। बाकी हमारे पास HIV/AIDS के फैक्ट वगैरह हैं तो वो यहाँ पर मैं नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पर उचित है, क्योंकि सभी लोग विद्यु लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है कि HIV/AIDS कैसे होता है, कैसे फैलता है और क्या क्या चीज़ें क्या डिस्क्रिमिनेशन है। सर बन गया है, ऐसा स्वीकार नहीं है कि लटवन में क्या हो जाता है, वो स्वीकार नहीं है। कोविड टीकाकरण के बारे में पहले बताइए, कोविड टीकाकरण बताइए। इधर से देख लिया, रोज देख रहा हूँ, सुधार करने के लिए क्या करें। मैंने कहा था कि शिक्षागृहों का और शहर में विशेष गाड़ियाँ लगानी थी और सैचुरेट करना था, क्या प्लान है आप लोगों का बताइए।